आजकल छोटे छोटे बच्चों के आंखों में चश्मा लग जाता है। हमें इतनी जल्दी हमारी जो आई साइड है वो वीक होने लगती है, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हमें किसी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, किसी जो शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कोई और हेल्थ इशू, हमारे जो डाइट हम प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, हमारी जो बॉडी में विटामिन्स मिनरल्स और प्रोटीन, जो सबसे मेन चीज़ है, प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो ऐसा हम कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे हमारी आंखें रिलैक्स भी रहें और हमारी जो आई साइड है वो ठीक हो जाए, या फिर हमारी आंखों में आपने देखा होगा कभी कभी थोड़ा सा गैप आ जाता है दोनों आंखों में, तो वो कैसे हम ठीक करें। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जिसको करने से आपकी आंखें रिलैक्स हो जाएंगी, आंखों की अच्छे से एक्सरसाइज होगी, आपकी आई साइड इंप्रूव होंगी, प्लस जो आंखों में जो गैप आता है वो धीरे धीरे आपका ठीक होने लगेगा। तो सबसे पहले डीप ब्रीथ लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हाथों को अच्छे से रब करेंगे, जो हीट जो एनर्जी जनरेट हुई है उसको हम अपनी आईज पे लगाएंगे। स्लोली स्लोली ब्लिंक करते हुए आईज ओपन करेंगे। आंखों को अच्छे से ओपन करके अपने हाथों को बिल्कुल रिलैक्स, अपने राइट हैंड का जो आपका थंब है पूरा फोकस अपनी दोनों आंखों से आप उस पे करिए। पूरा कॉन्सेंट्रेट आपके पूरे थंब पे होना चाहिए और फिर आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करिए। पूरा फोकस आपके थंब पे। एंटी क्लॉकवाइज पूरा कॉन्सेंट्रेट आपके थंब पे। थंब को पूरा अपने आईज के क्लोज लाए, कॉन्सेंट्रेट पूरा थंब पे। थोड़ा होल्ड करें 5 ब्रीथ के लिए। धीरे धीरे आप डाउन करिए, स्लोली स्लोली आंखों को ब्लिंक करिए। आईज क्लोज, पूरा फोकस आपके जो थर्ड आईज, आपके जो आंखों के बीच में जहाँ पे आप बिंदी लगाते हैं, आपके जो थर्ड आई है, जो आपका थर्ड चक्रा है, पूरा फोकस उस पे। ब्रीथिंग नॉर्मल, दोनों आंखों से अपनी थर्ड आई पूरा कॉन्सेंट्रेट वहाँ पे अपनी चक्रा को देखने की कोशिश करिए। पूरा फोकस आपकी थर्ड आईज पे। स्लोली स्लोली ब्लिंक करके आंखें नॉर्मल, और हमें साथ में एंड में 2 मिनट तक अनुलोम विलोम करना है, वो हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा है, हमारे आई साइट को बहुत इम्प्रूव करता है, प्लस आपके माइंड को भी रिलैक्स करता है।
ये एक्सरसाइज आप उन्हें रोज़ 2 मिनट कराइए और 2 मिनट अनुलोम विलोम कराइए। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा, उनके माइंड को भी शार्प करेगा, माइंड को रिलैक्स करेगा, बच्चों का फोकस भी पढ़ाई में लगेगा और प्लस उनकी आईसाइट भी ठीक होंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। नमस्ते।